दोस्तों अगर मैं आपको ये 1 रुपए दूं और आपसे कहूं कि आप 1 रुपए में क्या कर सकते हो, तो इस महंगाई के दौर में 100% आप सोच में पड़ जाएंगे, यार मैं 1 रुपए में क्या कर सकता हूं। आप इसी 1 रुपए में अपने लिए एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक सुना, सिर्फ 1 रुपए महीना देकर अपने लिए एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी ले सकते हैं, वो भी 2 लाख रुपए की। अगर जानना चाहते हैं वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस योजना के बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को आप ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से ले सकते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम ये जानते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। इसके लिए लेके चलती हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा जन सुरक्षा। जब आप सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर अपने को क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों अब हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जन धन से जन सुरक्षा। दोस्तों आपको यहाँ पर 3 पॉलिसियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ने के लिए अपने को इस पर क्लिक करना। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आप इसे हिंदी में आसानी से पढ़ पाएंगे। दोस्तों इस पॉलिसी को लेने के पहले हम इसके कुछ नियम के बारे में जान लेते हैं। अगर आप नियम जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब हमारे सामने 3 ऑप्शन ओपन होते हैं। दोस्तों लेकिन हमें यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर ही क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कुछ नियम दिए हुए हैं जो हमें अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने बहुत मामूली प्रीमियम पर यानी 12 रुपये मास सालाना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की थी, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति के पास एक सुरक्षा बीमा हो पाए। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 से 70 साल के उम्र के लोग ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, अगर आप 18 से 70 वर्ष के बीच में हैं तो यहाँ पर प्रीमियम आपको एक ही जैसा देना होगा। यानी आपको अगर 1 रुपये महीना देना है तो आप किसी भी एज में होंगे, सिर्फ आपको 1 ही रुपये महीना देना, यानी 12 रुपये सालाना आपको यहाँ पर देना है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस पॉलिसी को लेने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आधार लिंक होना जरूरी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर इस योजना में आपको साल में 12 रुपये प्रीमियम देना है। इस पॉलिसी का प्रीमियम सीधे आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है, यानी आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट 12 रुपये 1 साल में कट जाएंगे। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से एक्सीडेंट के तहत, तो इस कंडीशन में जो पॉलिसी धारक है उसके आश्रित को 2 लाख रुपए की राशि मिल जाती है। देखिए यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन पर लिखा है दोनों आँखों के कुल तथा अपूर्ण क्षति या दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होने पर या एक आँख की नज़र खो जाने अथवा एक हाथ एक पैर का काम करना बंद कर दें, अगर वो हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं तो यहाँ 2 लाख रुपए की आश्रित को यहाँ पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, पॉलिसी धारक को यहाँ पर देखिए लिखा है एक आंख की नज़र कुल तथा अपूर्ण क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम अगर करना बंद कर देता है तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि पॉलिसी धारक को मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉलिसी धारक को जो पैसे मिलते हैं वो इस तरीके से मिल जाए। दोस्तों प्रीमियम कटने के दौरान आपके खाते में 12 रुपए बैलेंस होना जरूरी है। अगर प्रीमियम कटने के दौरान बैंक में बैलेंस 12 रुपए ना हुआ तो उस स्थिति में ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी आपकी रद्द हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो साल में 12 रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे तो आपके खाते में जब ये प्रीमियम कट रहा होगा तो आपके खाते में 12 रुपए बैलेंस होना जरूरी है।
दोस्तों चलिए आप जानते हैं बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों अब हम दोबारा फिर उसी पेज पर यहाँ पर वापस आ गए और यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में आवेदन के लिए हमें यहाँ पर फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर 3 पॉलिसी के फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमें सुरक्षा बीमा योजना पर क्लिक करना है। दोस्तों अब आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ लिखा है आवेदन पत्र और दावा पत्र। तो हमें क्या करना है, हमें आवेदन पत्र पर क्लिक करना है। दोस्तों यहां पर आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलता है, आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज को यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। अब हमें इस फॉर्म को फिल करना होगा। सबसे पहले हमें ऊपर अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जो आपका खाता संख्या हो वो यहां पर एंटर कर दें। यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है, यहां मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ आपको अपनी जन्मतिथि एंटर करनी है। ये सब एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर अगर आपकी कोई मेल आईडी हो उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका नामनी है वो अगर नाबालिग है, किसी को भी आप नामनी बनाते हैं वो नाबालिग है, तो उसके अभिभावक का यहाँ पर नाम पता लिखा होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर नामनी जो है वो नाबालिग है और उसके अभिभावक का नाम पता, तो आप एंटर करेंगे, साथ में आपका उससे क्या रिलेशन है आप वो भी यहाँ पर एंटर करेंगे। फिल करने के बाद स्क्रॉल करके हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ आपको डेट एंटर कर देनी है, जिस डेट में आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हो वो डेट को एंटर कर दीजिए और यहाँ आपको धारक के हस्ताक्षर यहाँ पर आप सिग्नेचर अपने कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फॉर्म को भरेंगे। आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों यह फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां पर भी क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस फॉर्म को प्रिंट आउट करा लेना है। प्रिंट आउट कराने के बाद जैसे मैंने बताया है वैसे ही पूरा फॉर्म फिल कर देना है। फिर आपको आपका जहां पर अकाउंट हो, जहां पर खाता हो, उसी बैंक में जाना है सिर्फ एक बार और इस फॉर्म को आपको वहां पर जमा कर देना है। साथ ही आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक बैंक की पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ में बैंक में लेकर आपको जाना होगा। दोस्तों यहां सब बैंक में जमा कर दें और आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में आवेदन हो जाएगा। आवेदन करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से भी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए ऑनलाइन सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें। इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार ज़रूर चेक करें। मिलते हैं आपके लिए कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत।